हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 8, एटम्स एंड न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो एटम के जो टॉपिक होंगे उनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस आएगा जो सेकंड पार्ट होगा इस यूनिट का। तो आज हम एटम्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हम एटम की डेफिनेशन को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, लेकिन ये कैसे हम कर पा रहे हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा कि कैसे कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, कैसे प्रोटॉन को खोजा गया, तब आज हम क्या स्टडी कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है एटम का उसके बारे में हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ तक हम कैसे पहुँचे कि जो आज हम प्रॉपर जो डेफिनेशन हम दे पा रहे हैं एटम की, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ फेलियर भी हैं, फेलियर थ्योरीज हैं, तो उनकी बदौलत ही हम आज हम इस एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ पा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या कंटेन करता है, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विद नेगेटिवली चार्ज्ड लाइट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये कि जो एटम होता है एक तरह से 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, एंड वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में जो हम एटम की जो डेफिनेशन हम स्टडी कर पा रहे हैं, इसके पीछे जो क्या क्या हिस्ट्री है, जैसे जैसे एटम को डिस्कवर किया गया है, तो आज पहले हम इसमें हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर हम डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर उसके बाद ओवरऑल क्या बनेगा स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास आएगा। तो अभी जो फिजिक्स में जो आपका चैप्टर है, तो इसमें हमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट होगा वो भी हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट की बदौलत हमने क्या डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स, हमने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे कि हिस्ट्री क्या रही है एटम की। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसफर थे, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था, एक ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने एटम वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस। तो उन्होंने एटम को कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने इसको इंडिविजिबल, एटम मीन इंडिविजिबल, इंडिविजिबल एटम मीन्स इंडिविजिबल। तो इंडिविजिबल स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पता है कि दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू द स्मॉलर पीसेस। वो ये क्या मतलब होता है, इंडिविजिबल का क्या मतलब होता है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो उसने ये सोचा कि अगर हम एक पीस लेते हैं मैटर का हम एक पीस ले रहे हैं, अगर उसको हम डिवाइड करें और कंटिन्यू हम उसको तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा लास्ट में कि आप क्या कर सकते हो, अब उस मैटर को आप और डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसी को ही क्या मतलब हुआ उसका, इंडिविजिबल मीन दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस। तो उन्होंने एटम का क्या मतलब दिया था, इंडिविजिबल। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर हम मैटर का अगर हम कोई पीस ले रहे हैं और उसको हम कंटिन्यूटी में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं और तब तक हम इसको कंटिन्यूटी में डिवाइड करते रहेंगे जब तक एक पॉइंट ऐसा ना आ जाए कि अब उसको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे।
तो ये वाली जो थ्योरी थी ये किसने दी थी स्टूडेंट्स, ये डेमोक्रिटस ने बताया था। और एटम वर्ड का जो यूज भी सबसे पहले किया था वो किस साइंटिस्ट ने किया था, डेमोक्रिटस ने यूज किया था। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एटम में देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम, कि एटम अंदर से कैसा है, खाली है। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, ठीक है। और साथ में ये भी बताया कि एटम्स आर कम्प्लीटली सॉलिड और एटम्स हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर, और एटम का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये डेमोक्रिटस सबसे पहले उन्होंने एटम के बारे में इतना ही वो बता पाए थे अपने समय में। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स जो सेकंड जो थ्योरी आई वो जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल, तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तो जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल कब आया था स्टूडेंट्स, 1800 में आया था। तो उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स इसमें बताए थे कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो सबसे पहले उन्होंने वही डेफिनेशन दी कि जो एटम है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और साथ में उन्होंने कहा कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम आसानी से उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको हम ना हम उसको तोड़ सकते हैं, ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपरिवर्तन। अगर कोई चीज़ है ना जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, तो वो एटम को उन्होंने क्या बताया था कि एटम कैसा है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है और अनचेंजेबल है। इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको आप आसानी से उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते हो, और साथ में ये कैसा रहेगा, ये अनचेंजेबल रहेगा। और साथ में एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वेट ऑफ देयर एटम और आफ्टर रिएक्शन, जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया कंपाउंड वहां पर एक फॉर्म होगा। और जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल की भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमियां रह गई थी। एक तो जॉन डाल्टन एटॉमिक जो मॉडल था ये आइसोटोप्स के बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आइसोटोप्स में यहाँ पर मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेती हूँ। जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है, और क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। हमें मालूम है ना कि क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, यहाँ पर 17 है और ये 37 है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये जो क्लोरीन है इसका जो मास नंबर है एक केस में 35 आ रहा है, 37 आ रहा है, ये इसके पीछे क्या रीज़न है, आइसोटोप्स के बारे में वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल। और साथ में आइसोबार के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि जो एलोट्रॉपिक जो फॉर्म होती हैं ग्रेफाइट और डायमंड की, उसके बारे में भी ये थ्योरी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। डाल्टन एटॉमिक मॉडल ने ये भी बताया कि जो इंडिविजिबिलिटी है एटम की वो रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि एटम इंडिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि जो एटम है उसको हम फर्दर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में डिवाइड हुआ है फर्दर, प्रोटॉन में हुआ है, न्यूट्रॉन में हुआ है, इलेक्ट्रॉन में वो क्या हुआ है, फर्दर डिवाइड हुआ है। तो जो इंडिविजिबिलिटी वाली जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो गई थी। जो फर्स्ट मॉडल था एटम का वो किसने प्रपोज किया था, जे थॉमसन ने किया था, और जे थॉमसन ने ही डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की थी, कि जो एटम है वहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है वहाँ पर, और एटम एक न्यूट्रल है। जे थॉमसन ने बताया था कि न्यूट्रल कैसे आएगा, ओवरऑल चार्ज जो होगा एटम का वो जीरो कैसे आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है वहाँ पर पार्टिकल, तो इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है एटम में, तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होगा वो दोनों आपस में क्या करेंगे, जो नेट जो चार्ज आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से वो जीरो आएगा, तो उसकी वजह से जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने स्टूडेंट्स वाटरमेलन आप सभी ने देखा है, तो वाटरमेलन में जो ब्लैक जो सीड्स होते हैं वो कैसे बैठे होते हैं, वाटरमेलन में देखा है ना आपने वाटरमेलन, तो जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह, उसने बताया
कि जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी तरह हैं, जैसे एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन के जो सीड्स हैं एम्बेडेड हैं उस वाटरमेलन में, उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एटम में उसी तरह एम्बेडेड हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं। उसने अपनी थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, जे.जे. थॉमसन ने। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। एटम को कैसे बता दिया वहाँ पर कि ही डिड नॉट प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन वाली थ्योरी को स्टूडेंट्स हम प्लम पडिंग मॉडल भी हम कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल। तो जे.जे. थॉमसन ने स्टूडेंट्स आपने बता देना है कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्रेडिट किसको जाता है स्टूडेंट्स, जे.जे. थॉमसन को जाता है। और इसके भी बहुत सारे जो फेलियर रहे हैं हमारे पास, हम उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक तो सबसे पहले ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। थॉमसन ने ये भी प्रडिक्ट किया कि जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल है, अगर हम उसको किसी एटम से अगर हम पास करते हैं तो ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा था, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे पार्टिकल्स। लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड ने यही एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल के साथ परफॉर्म किया तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज एंगल से भी क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट्री यहाँ पर थॉमसन मॉडल में आई, तो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन आई। और साथ में जे.जे. थॉमसन जो मॉडल था, ये साथ में जो डिस्क्रीट जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो हाइड्रोजन एटम एमिट करता है और दूसरे जो एटम्स जो एमिट करते हैं उनको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और ये जो मॉडल था ये करेक्टली ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फेलियर रहे जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में भी। तो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टूडेंट्स वो था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम बाद में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हमें पूरा थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर का पता लगेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम स्टडी करेंगे। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जो हिस्ट्री है एटम की वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने एटम वर्ड का यूज़ किया था, और उसके बाद जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल आया, फिर उसके बाद जे.जे. थॉमसन मॉडल आया, फिर उसके बाद आएगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमने इसको धीरे धीरे हमने करना है, तभी हमें पूरा ये चैप्टर है वो पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि जो देखो स्टूडेंट्स जो एटम है कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहती हूँ कि 1819 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया किसके द्वारा, जे.जे. थॉमसन ने, जे.जे. थॉमसन। फिर 1890 के बाद स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो 1917 में रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 1932 में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो किसने दी थी, चैडविक ने दी थी। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि जो आज हम प्रेजेंट में जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो एक दिन में ही डिस्कवर किया गया है, ऐसा नहीं है। तो ये देखो ये ऐसी ऐसी थ्योरीज हुई हैं, फेलियर आएंगे थ्योरीज के। तो हमने पूरा हमने डिटेल में हमने स्टडी करना है कि एटम क्या है। तो इसके बाद हमने जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट होगा उसकी हेल्प से हमें पता लगेगा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में है भी एक पॉजिटिव चार्ज है। हम उस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम स्टडी करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के भी कुछ फेलियर रहे हैं।